नमस्ते भाइयों, आज ये मैं गाड़ी स्विफ्ट खोल रहा हूँ। स्विफ्ट खोलना का मतलब ये है कि इसमें स्मेल आ चुकी है। गाड़ी में स्मेल आई है, तो हमने सारी फिटिंग पहले खोली है बाहर की, जो आउटसाइड होती है, जो प्रो आराम से खुल जाती है। जैसे हमने कवर्स वगैरह खोले हैं, मैट के नीचे कारपेट को भी देखा है। इस गाड़ी में चूहा मर चुका है, स्मेल बन गई है। और इसको पहले हम पूरी फिटिंग को खोल लेते हैं। बैक सीट के कवर्स होते हैं वो सारे खोले हैं, डिग्गी खोल के चेक कर ली है, नहीं मिल रहा। तो अब हम इसका डैशबोर्ड खोल रहे हैं, तो डैशबोर्ड की फिटिंग ओपन कर ली है। एयर फिल्टर एसी का निकाला है, ब्लोअर वो खोला है, नहीं मिल रही ऐसी कुछ स्मेल का कुछ। तो हमने लास्ट प्रोसीजर हमारे पास बचा डैशबोर्ड खोलने का, डैशबोर्ड खोल रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे भाई हैं, क्योंकि मैं आपको डैशबोर्ड का भी बताऊँगा कैसे खुलता है, एक एक पॉइंट्स वगैरह की डैशबोर्ड में दिक्कत नहीं आती। तो जो हम पॉइंट खोल रहे हैं, तो उसको हम तरीके से ये भी चेक कर रहे हैं कि कहीं इसमें चूहा कहीं ऐसी जगह जाकर फंस ना गया हो, स्मेल जो बन रही है। तो खोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। बट हम हमारे पास प्रोसीजर यही बचा कि अब डैशबोर्ड ओपन ही कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड ओपन कर रहे हैं, तो भाई उसको देखते रहें। और डैशबोर्ड की फिटिंग सारी हमें खोलनी है आराम से। डैशबोर्ड खोलने से पहले वायर का ध्यान जरूर रखें, बैटरी की वायर पहले से ही निकाल दें, माइनस पॉइंट वाली, क्योंकि इसमें मीटर में इंडिकेशन शो होने लग जाती है चेक इंजन की। बहुत सारे सेंसर होते हैं, लाइटें ऑन होने लग जाती हैं, तो दिक्कत होती है। तो ये वाइपर है, वाइपर का विंडशील्ड कवर है, ये भी उतारेंगे। जैसे मीटर हमने रिमूव करा है, जैसे खोला है आराम से खोलिए इसको, ये बहुत नाजुक चीज़ है, टूटने का डर रहता है। अब ये खोला है, अब इसके नीचे ये लोहे का बोल्ट, लोहे की ब्रैकेट होती है, इसके नीचे एक बोल्ट होता है 12 नंबर का। अगर ये नहीं खोलते, मीटर नहीं खोलते, तो ये दिक्कत होती है। कई बार हम भाई मैकेनिक भाई सोचते हैं कि यार ऐसे ही खुल जाएगा, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। तो हमने ये सारा, अब ये जो है निकालने को, तो हम स्टेयरिंग कंप्लीट निकाल सकते हैं, बट दिक्कत होती है, तो इसको भी फिटिंग नहीं होती फिर प्रॉपर तरीके से, धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है। तो आइए हम इसका कॉलम को उतार लेते हैं, स्टेयरिंग कॉलम के पॉड्स को वगैरह ने कर इसको नीचे की तरफ रख लेते हैं, आराम से खोल के, दिक्कत नहीं होती। सेफली जो काम हो जाए वो बेस्ट होता है। हम धीरे धीरे इस प्रोसेस को चालू रखते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे भाइयों। ये हमने इसको खोल चुके हैं, ये हमने इसको धीरे धीरे मतलब तरीके से खोलना है। तो ये वायर है, वायर का भी ध्यान देना है कि वायर जो जहाँ से खोले वहीं फिट करनी है। देखिए भाई ये खोल चुका है, तो इसको हमें धीरे से नीचे लाना है। अब ये नीचे ऑलमोस्ट हमारा खुल चुका है, और ये नीचे आ जाएगा। ये हमने इसको नीचे कर लिया है, ये खुल चुका है, आराम से फिट हो चुका है। ये जैसे खोल दिया हमने, आराम से खोला है, धीरे से नीचे रखना है जो वायर हमें। कई बार भाई हम वायर भूल जाते हैं, तो वायर जो डायरेक्शन वाली होती है, फ्लैपर की रोटेशन वाली होती है, हीटर की वायर होती है, इन वायरों को भूल जाते हैं। जैसे हम वायर डायरेक्शन, एयर डायरेक्शन करते हैं, ऊपर नीचे पैरों पे, साइड विंडशील्ड, तो वो दिक्कत होती है, ध्यान भूल जाते हैं। तो हम डैशबोर्ड बाहर निकालते हैं, खींचते हैं, तो ये टूटने का डर रहता है, क्योंकि डक्ट तो अंदर ही फिट रहती है। ये देखिए, तो आराम से इसको खोलना है। इसको पहले वायरों को ध्यान से देखना कि वायर में कोई कमी, हम कोई चीज़ छोड़े ना, ताकि डैशबोर्ड खोलने में दिक्कत आती है। ये देखो लॉ, ये दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड ग्राउंड के बोल्ट होते हैं, अर्थ वाले वायर लगी होती है। तो ये आराम से, ये देखिए वायर निकाल ली हमने, दोनों साइड होती है। ये बोल्ट जो हम खोल रहे हैं, ये बोल्ट, ये दोनों साइड होते हैं, दो लेफ्ट होते हैं, दो ही राइट होते हैं, तो दोनों को खोल देना। तो ये बीच में जो गियर गियर लीवर होता है, हमारे गियर लीवर के पास ही हमारे पास पत्ती कंसोल के साइड में बीचों बीच ये पत्ती होती है, इसमें 3 बोल्ट्स होते हैं, इनको भी आराम से खोलना। तो ये खुल चुका है ऑलमोस्ट, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। पहले तो डैशबोर्ड में देखेंगे कि डैशबोर्ड के कहीं साइड वाइड में कहीं फंस ना गया हो, स्टीरियो है वहाँ उसके साइड में, उसके पाइप्स आ रहे हैं, डक्ट के पाइप्स आ रहे हैं, कहीं वहाँ ना हो। बट क्योंकि बाहर को निकालने से पहले आराम से निकालें इसको, टूट ना जाए, वो दिक्कत बहुत होती है। तो ये देखिए हमने सारा आराम से खोला, इसके अंदर भी देख रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है। तो ये देखिए चूहा आया कहाँ, ये देखो चूहा फंसा कहाँ, ये देखो स्मेल जो बन रही है, ये देखो डक्ट के अंदर घुस चुका है, डक्ट के अंदर घुस चुका है, घुस चुका है। तो इसको अब हमें डक्ट को ही कम्प्लीटली बाहर निकाल लेना है। तो डक्ट निकालने के लिए इसके इनसाइड बोल्ट नहीं होते, इसके आउटसाइड ही बोल्ट होते हैं, आउटसाइड बोल्ट होते हैं। तो आइए बाहर ले चलते हैं, कहाँ पे बोल्ट होते हैं।
तो बोल्ट कैसे खुलते हैं वो बाहर वाले देखते हैं भाई कैसे। ये जो फिटिंग हम खोल रहे हैं, फिटिंग जैसे खोली है वैसे ही फिट करनी है, कोई दिक्कत ना है, कस्टमर परेशान ना हो। मेन तो कहने की बात ही है, कई बार फिट नहीं हम पूरी प्रॉपर तरीके से कर पाते तो कस्टमर कहते हैं यार डैशबोर्ड खोला फिटिंग नहीं करते। तो ये जो मैं बाहर की बात कर रहा था, तो ये बाहर के हम वाइपर खोलेंगे, विंडशील्ड कवर जो ये साइड में होता है ऊपर लगा होता है, ये वाइपर के नीचे जो कवर है ब्लैक कलर का ये खोलेंगे। ये लॉकों का भी ध्यान देना है, लॉक होते हैं कई बार लॉक ध्यान नहीं देते, तो आराम से जो लॉक वगैरह खोलें वो वहीं फिट करें सेफली आराम से। थोड़ा टाइम लगता है कोई बात नहीं, काम में आराम से करें, दिक्कत नहीं आती। अभी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इसको आराम से। कई बार हमारी एयर डायरेक्शन के लिए दिक्कत हो जाती है, एयर डायरेक्शन के लिए भी हम जो एयर डायरेक्शन वाली होती है अंदर बाहर वाली, तो उससे एंट्री कर जाता है चूहा, तो वहाँ से निकल कर अंदर घुस जाता है, सब मेन कारण वो होता है। ये डक्ट को खोलने के लिए कर रहा है, जो हमारी डक्ट लास्ट बची है, डैशबोर्ड तो हमारा आ चुका है बाहर, तो डक्ट के लिए हम ये खोल रहे हैं। इसमें बोल्ट बाहर होते हैं, आउटसाइड होते हैं, वो बहुत तंग करते हैं, तो इनके लिए सारी चीज़ें फिटिंग खोलनी पड़ती हैं। ये मारुति की ऑलमोस्ट कारों में यही है, गाड़ियों में खोलना पड़ता है। ये देखिए बाहर है नट, ये ECM के बैक साइड है, ECM खोलना चाहो तो ECM खोल लो, बट इसके नीचे आराम से खुल जाता है। नीचे भी हैं इसके बोल्ट्स, AC के पाइप निकालने हैं, कूलेंट के पाइप निकाल लेंगे, कूलेंट के पाइप ये देखिए निकाले जा रहे हैं। थोड़ा दिक्कत तो आती है स्विफ्ट VDI में डीजल कार, तो ये देखिए हमने इसको भी खोल लिया है। धीरे धीरे इनको आराम से बाहर निकालना है, कूलेंट थोड़ा बहुत निकलता है इसके लिए, कोई बात नहीं, कूलेंट तो नया ही डल जाएगा। अब ये देखिए जो मैं आपको बोल्ट कह रहा था जो ECM के बैक साइड होता है, तो इसको ECM खोलने से पहले इसे आराम से इसे ही खोल लेते हैं, क्योंकि ECM खोलेंगे इतना टाइम लगेगा, वहाँ से भी हाथ चल जाता है हमारा, तो उसी में ही टाइम लगता है उस बोल्ट में जो मैं आपको बता रहा था ECM के बैक साइड। तो ये निकल चुका है, डैशबोर्ड भी खुल गया है, डक्ट भी बाहर है, तो ये डक्ट के जो पाइप वाले दिखाई दे रहे हैं दो पाइप, जहाँ से पाइप निकला कूलेंट भी निकल जाता है, तो कूलेंट भी दोबारा डालना पड़ता है, ज़्यादा नहीं डलता, लीटर भर डलता है। ये देखिए बाहर डक्ट निकाली है तो चूहा निकला, तो ये देखिए कूलिंग कॉल भी चौक है इसकी, तो कूलिंग कॉल के साथ सर्विस हो जाएगी, डक्ट के अंदर स्मेल वगैरह और क्लीनिंग हो जाएगी, डक्ट की क्लीनिंग हो जाएगी। तो कूलिंग कॉल हमें क्लीन करने के लिए थोड़ा सा ये होता है कि ये कूलिंग कॉल बहुत हल्की होती हैं, तो इन पे हम केमिकल नहीं मार सकते, केमिकल नहीं मारना, पानी से ब्रश से हल्के प्रेशर से साफ कर ले, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं मारना इन पे। क्यों ज़्यादा प्रेशर मारने से इनकी जो फिंसें होती है डैमेज हो जाती हैं, और कूलिंग कॉल भी जो लीक होने का डर रहता है केमिकल मारने से। तो जैसे हमने खोली ये फिटिंग वैसे ही हम फिट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, मेल फीमेल को वहीं बिठा रहे हैं जो खोले हैं हमने, सारे डक्ट क्लीन कर लिए अच्छे तरह से तरीके से। फिट करते समय हमें ये ध्यान देना है कि इसमें कोई कमी पेशी ना रह जाए। ये थोड़ी सी इसकी टेपर में होती है स्विफ्ट की, ज़्यादातर स्विफ्ट की कूलिंग कॉल टेपर में होती है, तो इसका पानी आने की बहुत समस्या होती है, कस्टमर कहते हैं इसमें AC का पानी आ रहा है, तो दिक्कत होती है। तो ये लॉक जो होते हैं पूरे बिठाने जरूरी है, मेल फीमेल बैठने जरूरी है, अगर इन्हीं से ही निकलता है। तो आइए हमारी फिटिंग हो चुकी है, तो हम इसमें डक्ट फिट करते हैं, और बाहर से इसके जो हमने नट खोले थे बाहर के बोल्ट्स वगैरह हैं वो फिट कर लेते हैं। हमने बाहर के बोल्ट्स वगैरह लगा देते हैं और ये आराम से हम इसे फिट कर लेते हैं। तो देखिए डैशबोर्ड भी हमने इसमें फिट कर दिया, जैसे खोला था वैसे ही फिट करना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये वायर का जो मैं आपको बता रहा था, वायर का फिर स्टार्टिंग से वही प्रोसीजर चालू हो चुका है। वायर हमने खोलने के समय तो हम निकाल देते हैं, जब निकालने के समय अब फिट करने के समय उनको देखना है, हीटर वाली पहले को घुमाना है, हीटर वाली को कौन सी वायर है, हमारी वायर ऊपर नीचे हो जाती है, तो हीटर वाला फ्लैपर देखना है नीचे वाला, तो ये सारी देख के फिटमेंट करनी है इसकी, क्योंकि वायर में भी दिक्कत आ जाती है वायर फिट करने में, कई बार हम ऊपर नीचे लगा देते हैं, कई बार भूल जाते हैं। तो जो चीज़ जहाँ से खोलें वैसे ही प्रॉपर तरीके से फिट करें, दिक्कत नहीं आती, आराम से होती रहती फिटिंग, आराम से ये प्रोसेस चालू है। ओके हो चुका, तो बाहर की फिटिंग को भी हमने करना है कि इसमें AC गैस डालनी है, कूलेंट जो निकला है वो भी फिट करना है। तो ये हमने विंडशील्ड कवर फिट कर दिया है, वाइपर बचे हैं वाइपर भी फिट कर देंगे इसकी।
ये कंसोल फिट कर रहे हैं, कंसोल जो फिटिंग जैसे खोले वैसे फिट करो तो दिक्कत भी नहीं आती है, बढ़िया तरीके से फिट हो जाती है, पता भी नहीं लगता अगर हम अगर तरीके से काम करें तो। ये हमने फॉर्मर्स इसकी फिटिंग कर चुके हैं पूरी, देखिए फिटिंग हो चुकी है। ये होती है होरन की पत्ती, इसको आराम से निकालना है, ये बहुत टूटने का डर रहता है, तो इसको आराम से खोलें और आराम से ही से फिट करें। लीवर, ये लीवर्स है जो हमारे वाइपर के लीवर होता है, लेफ्ट साइड वाइपर का, राइट साइड हमारा हेडलाइट्स का डिपर वाला। तो ये फिटमेंट, इसको आराम से फिट करें, दिक्कत नहीं आती। जैसे जो फिट करें उसका वायर वैसे कनेक्ट कर दें, जैसे ही वायर कनेक्ट कर दें प्रॉपर से। तो आइए, हमने उस गाड़ी ओके कर दी है, बैटरी की तार भी लगा चुके हैं, तो ब्लोअर चेक करते हैं, ब्लोअर इसमें चल रहा है कि नहीं। मीटर की लाइट ऑन हो चुकी है हमारी, प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है, तो ब्लोअर में भी एयर आने लग चुकी है, ओके है, कोई फिटिंग में कमी नहीं रही। तो एक बार थोड़ी सी फिटिंग रह रही है, बट इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी कार स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट कीजिए इसको, स्टार्ट करो, स्टार्ट हो चुकी है हमारी कार, स्टार्ट हो चुकी है हमारी गाड़ी, हमने स्टार्ट कर ली है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिटिंग पर ऑलमोस्ट हो चुकी है, फिटिंग भी हो गई है। ये कूलेंट का, कूलेंट भी इसमें डाल देते हैं, थोड़ा बहुत कम है तो उसमें कूलेंट डाल देंगे। हमने ये वाला रोटेशन का ध्यान रखना है, जो पत्ते आते हैं कूलिंग कॉइल पे, कूलिंग कॉइल क्यों चोक होती है, तो ये इनसाइड एयर बाहर साइड आउटसाइड दिक्कत होती है, तो ये वायर का जरूर ध्यान रखना है कि इसको ऑन रहना चाहिए हमेशा। स्टेयरिंग फिट कर लेते हैं, तो भैया लास्ट वीडियो में कुछ नया दिखाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार सब भाइयों को।